नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड दिन भर में। आइए डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर एक नजर। सरदार सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज में पिछड़ी अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास समिति नैनबाग के समापन कार्यक्रम में पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि हमारी जो विकास दर है वो मोदी जी की विकास दर से ज्यादा है। श्रम मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने आज बिंदुघट्टा क्षेत्र में 1,06,00,000 की कई योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही 11 आतंकियों को मारने के बाद शहीद हुए अशोक चक्र से सम्मानित लॉन्स नायक शहीद मोहन नाथ गोस्वामी द्वार का भी लोकार्पण किया। प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री अलीशा खान अपने हरिद्वार निवासी प्रेमी लव कपूर को लेकर एक बार से फिर से सुर्खियों में है। दरअसल हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र के ज्ञान लोक कॉलोनी में रहने वाले लव कपूर के खिलाफ थाना कनखल में अलीशा खान ने शिकायत दर्ज कर प्रेमिक पर मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। रुड़की में कांग्रेसियों का मेडिकल कैंप औपचारिकता बनकर रह गया। मरीज तो बहुत दूर की बात, इस कैंप में मुट्ठी भर कांग्रेसी नेता ही पहुंचे। हालांकि इस कैंप में मेट्रो हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर पहुंचे थे, लेकिन देर शाम तक मरीजों के ना पहुंचने का मलाल उन्हें भी सताता रहा। भाजपा परिवर्तन यात्रा के तहत चंपावत पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि आम जनता नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री के साथ है। जोशीमठ के ग्राम सभा ढाक में हरे पेड़ काटने के मामले में आज उप जिलाधिकारी जोशीमठ ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वन विभाग NTPC व ग्रामीणों के साथ वार्ता की जाएगी, जो भी कमी होगी उसका निराकरण कर मामले का संज्ञान लिया जाएगा। तो ये थी आज की तमाम खबरें। इन खबरों को आप विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि न्यूज.com पर।